वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट सर्विस। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है और उसका स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है और कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो फंस जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं है, तो कैसे हम फिक्स कर सकते हैं और कैसे अपने लैपटॉप या पीसी को कैसे फास्ट कर सकते हैं। आपको इसमें बस आपको 3 स्टेप करने हैं और बहुत ही अच्छी आपके लैपटॉप या पीसी की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लैपटॉप और पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन की साइड चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपका ये सारा प्रोसेस करना है। सो गाइस हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर विंडो आर दब के यहाँ पर स्टैम्प को लिख लेना है और यहाँ पर सारी आपकी फाइल आएंगी। इन सब फाइल को आपको जो भी जितनी भी फाइल हो सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। जितनी भी हो अगर आपकी कोई डिलीट नहीं हो रही है तो यहाँ पे ट्राई अगेन आप वो स्किप कर सकते हैं, तो स्किप आपको यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ से कट कर देना है। फिर आपका दूसरा स्टेप रहेगा जो बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले रिसाइकल बिन को क्लीन कर लेना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपको एक सेटिंग और करनी है जो ज़्यादा ज़रूरी है, सिस्टम आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे और आपको बोर्ड पे क्लिक करके एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस पे सेलेक्ट करके आपके जितने से ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर हो तो बड़ा कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 4 प्रोसेसर पर क्लिक कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देना है। देन आप अपने जो पीसी है और इसको रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो पीसी है बहुत अच्छा फास्ट करने स्पीड हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस।